Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show, HGA Presents Fun with Stocks. So guys, आज की वीडियो में मैं डिस्कशन करना चाहूंगा ऑप्शन से रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए और फ्यूचर चर्न ऑप्शन मेनली जो लोग करते हैं इंक्लूडिंग मी, मैं भी काफी ज्यादा एग्रेसिवली फ्यूचर चर्न ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूं, तो मेनली रिस्क क्या हम फेस करते हैं, लाइक अपार्ट फ्रॉम लेवरेज एंड ऑल जो भी है कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, और क्या क्या रिस्क हम फेस करते हैं, प्लस ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में मेजर डिफरेंस क्या होता है, क्यों लोग कुछ लोग ऑप्शन बाइंग प्रेफर करते हैं, क्यों कुछ लोगों के लिए ऑप्शन सेलिंग सही होती है और क्यों मेन पैसा ऑप्शन सेलिंग से बन पाता है, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली इस वीडियो को मैं काइंड ऑफ कैपिटल वाइज डिवाइड करके बताना चाहूंगा, पहले तो कि कम कैपिटल वाले ऑप्शन बाइंग पे क्यों जाते हैं। इट्स लाइक तुम्हारा कैपिटल अगर जीरो से लेके 50,000 तक है, लेट से इवन 1 लाख भी है, तो तुम एज सच ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में लगभग 1 से 1.5 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें भी चीजें मार्क टू मार्केट होती हैं, स्पेशली फ्यूचर्स। तो इन केस स्टॉक का प्राइस तुम्हारे अगर अगेंस्ट मूव करा तो तुम्हें या तो मार्जिन मनी ऐड करना पड़ेगा या फिर तुम्हें स्क्वेयर ऑफ करना पड़ेगा, और अगेंस्ट गया तो ऑब्वियसली तुम्हें लॉस में स्क्वेयर ऑफ करना पड़ेगा। तो इसलिए 1.5 लाख के आसपास पे कोई ऑप्शन सेलिंग नहीं करता, लोग करते हैं ऑप्शन बाइंग। अब ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑप्शन बाइंग में यह है कि यहां पे टाइम समय तुम्हारा शत्रु है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इन ऑप्शन बाइंग टाइम इज योर बिगेस्ट एनिमी। द मोर टाइम इट टेक्स फॉर अ स्टॉक टू मूव इन योर डायरेक्शन, इन योर डिजायर्ड डायरेक्शन, जितना ज्यादा टाइम स्टॉक को लगेगा तुम्हारे डायरेक्शन में मूव करने के लिए, तुम्हारे प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। इट्स लाइक जैसे हम इंश्योरेंस वगैरह बाय करते हैं, राइट, बिकॉज वी आर इंश्योरेंस बायर्स। तो इट्स लाइक हमने कार को, लेट्स से कार का इंश्योरेंस बाय किया, हमने प्रीमियम पे कर दिया ईयरली। अब अगर 1 साल तक एक्सीडेंट कार का नहीं होता है, ऑल्दो कार के केस में हम काफी खुश हैं एक्सीडेंट ना हो, हमें कंपनी से कुछ नहीं चाहिए, बट इमेजिन करो इस चीज से कि तुम चाहते हो एक्सीडेंट हो। इमेजिन करो जस्ट एक सिचुएशन कि तुम्हारे पास कार नहीं है, सिर्फ कार का इंश्योरेंस है। इट्स लाइक किसी और की कार पे तुमने इंश्योरेंस खरीद रखा है कि काश उसका एक्सीडेंट हो जाए और फिर मेरे को ढेर सारा पैसा मिल जाएगा क्योंकि इंश्योरेंस तो मैंने खरीद रखा है, कुछ इस तरीके से समझो। तो ऑप्शन बाइंग, स्पेशली पुट बाइंग भी ऐसे ही वर्क करती है। तो जितना ज्यादा टाइम बीतता जाएगा उस गाड़ी के एक तरीके से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। सिमिलरली स्टॉक मार्केट है, क्योंकि तुमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके रखा हुआ है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इन अ गिवन टाइम वो कम हो जाएगी। इट लाइक मैं तुमसे बोलूं कि लेट से किसी ने भी कोई गाड़ी खरीदी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 साल में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम बोलोगे काफी है, लेट से 20% प्रोबेबिलिटी है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 महीने में एक्सीडेंट हो जाएगा, काफी कम है। तो ऑप्शन बायर्स यहां पे फंसते हैं, जो टाइम वैल्यू होती है ना ऑप्शन में वो घटती जाती है, क्योंकि तुमने कुछ बाय कर रखा है तो तुम उसे हायर प्राइस पे बेचना है, तो टाइम वैल्यू कॉम्पोनेंट जाता जा रहा है, टाइम घटता जा रहा है और ऑप्शन बायर का लॉस बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जो भी 10,000, 20,000, 40,000 रुपए ऐड करके ऑप्शन बाइंग करते हैं कि क्विकली इस पैसे को डबल करेंगे, उनका पैसा डबल नहीं होता, उनका कैपिटल वाइप्ड आउट हो जाता है। जैसे थैनोस ने किया था ना सारे एवेंजर्स को, वैसे ही उनका कैपिटल वाइप्ड आउट हो जाता है। बस एवेंजर्स आधे वाइप्ड आउट हुए थे, कैपिटल पूरा वाइप्ड आउट हो जाता है ऑप्शन बाइंग के केस में। अब ऑप्शन सेलिंग में क्या दिक्कत है, लेट्स से मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, इमेजिन करो मी एज अ पर्सन, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। अब मैं डिसाइड करता हूं कि ठीक है ये स्टॉक है एलएनटी का एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से, या एलएनटी भी छोड़ दो, रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं, कि रिलायंस का मैंने सीधा जाके ऑप्शन सेल कर दिया, पुट ऑप्शन सेल कर दिया कि इसका स्टॉक ऊपर बढ़ते रहेगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा अच्छा खासा। द मोमेंट स्टॉक गिरना शुरू किया मेरे अंदर पैनिक आएगा कि ओ माय गॉड, सारी पोजीशन मेरी एक ही स्टॉक में है, कंपनी बंद हो गई तो स्टॉक तबाह हो गया, तो ब्ला 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 हजार चीजें आती हैं। डजेंट मैटर, HDFC से रिलेटेड भी ऐसी र्यूमर्स आई थी, आती रहती हैं, इन्फोसिस से रिलेटेड भी, अमारा राजा से रिलेटेड भी, अभी एशियन पेंट्स तक की र्यूमर्स आ गई थी कि विसल ब्लोअर के चक्कर में उन्हें काफी ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, जबकि एशियन पेंट के स्टॉक को कुछ बहुत खास फर्क पड़ा भी नहीं, जो भी विसल ब्लोइंग एक्टिविटी, जो भी कुछ एक्टिविटी हुई थी उससे रिलेटेड। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि क्योंकि तुमने 2 लाख का एक तरीके से सारा पैसा तुमने एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब फियर आएगा, स्टॉक का प्राइस तुम्हारे अगेंस्ट मूव किया, इवन दो यू आर एन ऑप्शन सेलर। टाइम जितना ज्यादा बीतते जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा उस केस में, ऑप्शन सेलिंग के केस में, अगर स्टॉक मूव ही नहीं किया या तुम्हारी फेवरेबल डायरेक्शन में मूव किया तो।
लेकिन यहां पे रिस्क बहुत ज्यादा एक ही पोजीशन में होता है। इवन किसी के पास अगर 10 लाख कैपिटल है तो 1.5 लाख के हिसाब से वो 5 6 पोजीशंस ले सकता है, इजीली ले सकता है, लेकिन एक सेफ्टी कुशन भी तो रखना पड़ेगा। वो कुशन वो बंदा रख ही नहीं पाएगा। एज अ रिजल्ट 10 में से 2 भी स्टॉक उसके अगेंस्ट अगर मूव किए, पैनिक आएगा, वो बेचारा लॉस बुक करेगा, फिर स्टॉक वापस ऊपर चले जाएंगे। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लेट मी टेल यू, ऐसी गेम्स बहुत 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 ज्यादा होती हैं। इसीलिए मैं इनफ कुशन, इनफ मार्जिन क्रिएट करके रखता हूं अपने पास। जैसे तैसे अगर मुझे लगता है मेरे पास मार्जिन कम है, मैं स्टॉक को बेच देता हूं। जैसे मैंने मेंशन किया था अपनी वीडियो में कि मैंने 3 4 स्टॉक्स बेचे हैं जस्ट बिकॉज उस मार्जिन मनी को लाने के लिए। लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जब लॉस बढ़ते जाते हैं, मार्केट गिरना शुरू करती है, उनके लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर उन्हें लॉस में ही स्क्वेयर ऑफ करना पड़ता है। प्लस डाइवर्सिफिकेशन इनफ नहीं होती है। तो अगर तुम्हारे पास 2 से 5 लाख हैं तो तुम्हें किस तरीके की ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए? ऑल्दो ये मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, बट एक एजुकेशनल वीडियो है। बट अगर कोई मेरा बहुत खास दोस्त मुझसे पूछता कि हिम्मत मैं क्या करूं, तो उस केस में इंडेक्स की ऑप्शन सेलिंग करो, निफ्टी की। इट्स लाइक सी, कोई ना कोई स्टॉक जीरो जा सकता है। अगर कल को 3 4 न्यूज आ गई कि अमारा राजा बैटरीज की सारे प्लांट्स शट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन रीजन एक्सेट्रा, ऐसी न्यूज पहले भी आई थी, स्टॉक काफी गिरा था, फिर से आ जाती है, तो स्टॉक बहुत बहुत ज्यादा गिर सकता है। 30 40% तो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी काफी ज्यादा गिर सकता है। लेकिन इंडेक्स अगर 30 40% गिरता है ना, तो भाई लिटरली इकोनॉमी हिल जाती है। मतलब जिस भी कंट्री का वो इंडेक्स होता है, उसको अपने इंडेक्स को ऊपर रखना पड़ेगा, बिकॉज इंडेक्स ब्रॉडली रिप्रेजेंट्स हाउ योर कंट्री इज परफॉर्मिंग। डो जोन्स इंडेक्स हमें यूएस की परफॉर्मेंस का एक आइडिया देता है, नेस्डेक इंडेक्स यूएस के टेक स्टॉक्स मेजरली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसका आइडिया देता है, बिकॉज नेस्डेक में आई गेस काफी ज्यादा वेटेज जो है यूएस के टॉप टेक स्टॉक्स की है। सिमिलरली इंडिया का निफ्टी और सेंसेक्स अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाहर के लोग इंडिया में पैसा नहीं लगाएंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो सरकार भी काफी सारे मेजर्स लेती है कि इंडेक्स को तो ऊपर लेके जाना ही है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अगर तुम इंडेक्स की पुट में काम करते हो, इंडेक्स के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हो, तो तुम्हारा रिस्क काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। कैसे? क्योंकि अब तुम्हारा पैसा 50 कंपनीज में है, 50ों की 50ों कंपनीज को जीरो होना पड़ेगा, तब जाके इंडेक्स जीरो होगा। नाउ कैन यू इमेजिन एशियन पेंट्स, टीसीएस, आईटीसी, इंफोसिस, विप्रो, एलएनटी, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ऐसी सारी कंपनीज, मतलब मैंने कुछ ही कंपनीज का नाम लिया है, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज निफ्टी 50 इंडेक्स का पार्ट है। कैन यू इमेजिन इन सारी कंपनीज की वैल्यूएशन जीरो हो जाए? मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा वैसी सिचुएशन। सी 30 40% इंडेक्स गिर सकता है, जब भी सेलिंग प्रेशर आता है, फियर आता है, सो कंपनी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी की वैल्यूएशन खत्म, कंपनी अंडर वैल्यूड हो गई है, सस्ती हो गई है, ठीक है, उस केस में तुम्हें बस वेट करना पड़ेगा। ऑल्दो 2020 में तो बहुत जल्दी रिकवरी आ गई, कई बार बियर मार्केट में 1 2 साल 3 साल भी वेट करना पड़ सकता है, बहुत इजिली वेट करना पड़ सकता है। तो अगर बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, इवन 5 लाख 10 लाख तक भी है, तो आई वुड रिकमेंड कि इंडेक्स में ऑप्शन सेलिंग करो, काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे मन में वो पैनिक नहीं आएगा कि अरे एक ही स्टॉक में पोजीशन है, ये स्टॉक तो गिरते ही जा रहा है, अगर इसकी पीई रेशियो री रेटिंग होगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा गिर गया तो क्या होगा। मतलब तुम्हारा माइंड जो है वर्स्ट इमेजिन करना छोड़ देगा, या एटलीस्ट नहीं करेगा। और अगर तुम ऐसे हो कि लॉस देख ही नहीं सकते, फिर तो सिंपल स्टॉक इन्वेस्टिंग करो, क्योंकि ऑप्शंस में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। इन दिनों मेरे को भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, इसीलिए मैंने स्टॉक बेच के अपने जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट कंप्लीट किया, क्योंकि और भी गिर सकती है, आई नो, इसीलिए मैंने मार्जिन रिक्वायरमेंट कंप्लीट किए हैं। नाउ अब जिसका कैपिटल बहुत बड़ा है, लाइक से 50 लाख भी अगर कैपिटल है, और तुम जो भी है 1.5 लाख रखता है लगभग किसी भी ऑप्शन की पुट को बेचने में, स्टिल तुम सिर्फ 25 से 30 ऑप्शन की ही पुट बेच सकते हो। 25 से 30 स्टॉक इज डिसेंट इवन डाइवर्सिफाइड, लेकिन सारा मार्जिन अगर तुम्हारा ब्लॉक हो गया और अभी भी मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ गई, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके लिए तुम्हें कुशन भी रेडी रखना होगा। अगर 1.5 लाख रुपए का सिर्फ एक फ्यूचर तुम बाय कर पा रहे हो या पुट ऑप्शन सेल कर पा रहे हो, तो 1.5 2 लाख और एज अ कुशन होने चाहिए। सो 1.5 लाख का मैंने ऑप्शन सेल किया, 1.5 लाख मेरे पास कुशन है, 3 लाख रुपीज पर स्टॉक अगर मैं कर रहा हूं, तो 50 लाख के केस में मैं सिर्फ 15 स्टॉक ही कर पाऊंगा, स्टिल बहुत ज्यादा नहीं है। उसके लिए तुम्हारा स्टॉक का सिलेक्शन भी नेक्स्ट लेवल परफेक्ट होना चाहिए। तो यहां पे बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि या तो तुम नेक्स्ट लेवल परफेक्ट हो, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन यहां पे भी, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में बस एक डाइवर्सिफिकेशन की दिक्कत है। जो करोड़ों रुपए के खेल रहे हैं वो तो ऑप्शन सेलिंग कर पाते हैं, ऑल्दो उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर मेरे पास 100 करोड़ है, इमेजिन, मतलब बेस्ट केस
और उसपे मैं साल में 10-12% भी रिटर्न अर्न कर पा रहा हूं, तो साल का 10-12 करोड़ बहुत अच्छा अमाउंट होता है। तो वो इतने लालची नहीं होते, वो अपना सारा कैपिटल कभी भी ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में ज्यादा कैपिटल डालते ही नहीं है। ये छोटे लोग ही हैं, छोटे लोग से मेरा मतलब है जिनके पास थोड़ा कम कैपिटल होता है। छोटा बड़ा होना कोई नहीं है, सब इक्वल है, बट जिनके पास थोड़ा कम कैपिटल होता है ना, वही क्विक गेन्स के चक्कर में ऑप्शन बाइंग में चले जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम केसेस में कैपिटल वाइप्ड आउट होता है, या ऑप्शन सेलिंग में चले जाते हैं, जिसमें भी अगर वर्स्ट सिचुएशन हो गई, अगर मार्केट हद से ज्यादा गिर गई कि तुम मैनेज नहीं कर पाए, अगर तुम सोच रहे हो अब तो रिवर्सल लेगी मार्केट, तुम ऑल इन चले गए, उसके बाद अगेन अगर मार्केट फिर से गिरी तो बहुत 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 ज्यादा बुरे हाल हो जाते हैं ऑप्शन सेलर्स के, स्पेशली पुट सेलर्स के, और जिन्होंने फ्यूचर बाय किया हुआ है उनके। मार्केट जब उनके अगेंस्ट मूव करती है तो मतलब देयर इज अ वेरी से गुड सेइंग इन दिस कि एन ऑप्शन सेलर ईट लाइक एन एंट एंड शिट लाइक एन एलिफेंट, कि वो थोड़ा थोड़ा पैनीस कलेक्ट कर करके महीने का 4%, महीने का 5%, इस तरीके से कमा कमा के वो अर्न करते हैं, एंड दे शिट लाइक एन एलिफेंट कि एक बार पोजीशंस उनके अगेंस्ट गई तो बूम, चीजें खत्म, पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन सेलर्स को भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। इसी के साथ मैं एक चीज और मेंशन करना चाहता हूं, हमारे एक सब्सक्राइबर ने मेंशन किया था कि बजाज ऑटो में, उनका बेसिकली नाम ऊपर आ रहा है, कि बजाज ऑटो में उन्होंने सारा पैसा डाल दिया था एंड इट्स बहुत बुरे हाल हो गए हैं। सो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो एसेट एलोकेशन रूल, जो कि रूल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लार्ज कैप में 5% से ज्यादा नहीं डालना, मिड कैप में 2.5 to 3, 3 मैक्स, स्मॉल कैप में 1.5 to 2, इवन 2 भी मैक्स, 1.5% मैक्स। जब तुम ये रूल फॉलो करोगे ना तो तुम्हारे माइंड में पैनिक नहीं आएगा। बजाज ऑटो मेरे लिए अभी भी वैल्यू बाय कंपनी है, मेरे पास उसका फ्यूचर रखा हुआ है, मैं पैनिक नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास बजाज ऑटो, अमारा राजा, हीरो मोटोकॉर्प, ओरो फार्मा, बहुत सारी अच्छी कंपनी इंक्लूडिंग इंडेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी इंडेक्स, इनके फ्यूचर्स, कॉल्स, ऑप्शंस सब है मेरे पास। अगर नी मार्केट नीचे गिरेगी मैं कॉल में प्रॉफिट बुक करूंगा, ऊपर चढ़ेगी तो फ्यूचर्स एंड पुट में प्रॉफिट बुक करूंगा, तो अच्छे से मैं प्रिपेयर्ड हूं। लेकिन सारा पैसा बजाज ऑटो में डालना, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ये बेवकूफी है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं डालना, कभी नहीं डालना, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज तुम उस कंपनी के ओनर नहीं हो, तुम्हारे पास 100% इक्विटी नहीं होनी चाहिए। कल को अगर मैं अपनी कोई कंपनी खोलता हूं तो ही मेरे पास 100% ऑनरशिप होगी, जब मेरा सारा पैसा उस कंपनी में होगा, वरना नहीं। तो बजाज ऑटो भी अच्छी है, हीरो मोटोकॉर्प भी अच्छी है, अमारा राजा भी अच्छी है, ओरो फार्मा भी अच्छी है, आईटीसी भी अच्छी है, बहुत सारी कंपनीज अच्छी हैं, बट दिस डज नॉट गिव मी द राइट, वैसे राइट तो है खैर, बट दिस डज नॉट गिव मी इनफ कॉन्फिडेंस कि मैं सारा पैसा ही एक कंपनी में डाल दूं। अब मैं आपको कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं कर सकता हूं कि आप लॉस बुक करो या क्या करो, मुझे पूरा भरोसा है बजाज ऑटो रिकवर करेगा, लेकिन मुझे नहीं पता कब करेगा। अगर नहीं भी करता है तो मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स में पोजीशंस हैं, मैं प्रॉफिटेबल निकल आऊंगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन ये रूल आपको जरूर फॉलो करना चाहिए था जो स्क्रीन पे आ रहा है। सारा पैसा एक स्टॉक में डालना इज लिटरली अ बेवकूफी, एंड अगेन सॉरी बट ये बेवकूफी है, और ये गलती मत करो। अभी कर दी कोई बात नहीं, बट प्लीज प्लीज प्लीज, कितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना, चाहे कंपनी का सीईओ आके तुम्हारे कान में बोल दे कि भाई मेरे को पता है कंपनी ऊपर जाएगी, नहीं, ठीक है, अच्छा जा सकती है ना, चलो फंडामेंटल से प्रूव हो रहे हैं, 5% कैपिटल डाल दियो, बस इस तरीके से। बिकॉज सारा पैसा एक कंपनी में डालना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो तुम्हें कुछ बहुत ही ज्यादा पता है या तुम दिल से जुआरी हो, सट्टेबाज, गैम्बलर। तो ये गलती नहीं करनी है, एंड नो द रिस्क, बिकॉज वॉरेन बफे की एक बहुत प्यारी सेइंग है, द रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग वॉट यू आर डूइंग। तुम्हें पता है बजाज ऑटो यहां से भी गिर सकता है, स्टिल तुम सारा पैसा डाल रहे हो। अगर तुम्हें नहीं पता है कि वो, अगर तुम्हें लग रहा है वो गिर ही नहीं सकता है, देन यू आर अनअवेयर ऑफ द रिस्क इन स्टॉक मार्केट। मैं अभी भी कह रहा हूं निफ्टी यहां से भी 10% गिर सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, और क्या मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूं? यस मैं हूं। लेकिन निफ्टी यहां से चढ़ भी सकते हैं, तो क्या मैंने उसकी तैयारी कर ली है? यस मैंने 1.5 लाख रुपए अभी एक दो दिन पहले ही टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में डाले हैं, आपको बताया मैंने। सो नीचे जाए तो मेरे पास भी इनफ सेफ्टी ऑफ मार्जिन है, और ऊपर गया तो पैसा कमाएंगे अच्छे से। तो चीजें ऐसे ही वर्क करती हैं, अगर आप कभी भी ऑल इन चले जाओगे देन यू हैव टू पे द प्राइस, अगर आप एक ही स्टॉक में सारा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे देन यू हैव टू पे द प्राइस, अगर आपके पोर्टफोलियो में इनफ डाइवर्सिफिकेशन नहीं है देन ऑल्सो यू आर द वन हु हैव टू पे द प्राइस, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई और नहीं आएगा। तो मुझे बस इस वीडियो में मेनली यही डिस्कस करना था कि यू शुड नो व्हाट आर द रिस्क इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस,
और अगर इन रिस्क से अवेयर नहीं हो तो तुम्हें प्राइस पे करना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो प्लीज बी एजुकेटेड एंड इक्विटी ट्रेडिंग करो। इक्विटी ट्रेडिंग में भी काफी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप यू गेट एन आइडिया कि किस तरीके से हम लॉस को, प्रॉफिट को, किस तरीके से पोजिशन को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से ऑप्शन बाइंग में टाइम लिटरली तुम्हारा एनिमी है और ऑप्शन सेलर फिर भी प्रॉफिटेबल कैसे निकल जाते हैं। आई होप आपको काफी अच्छी नॉलेज मिली हो। मिली है तो इस वीडियो का लाइक जरूर करना और कमेंट में अगर आप थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को काफी अच्छा लगेगा। ऑन दैट नॉट आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो वरना आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगी। ऑन दैट नॉट आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।